हेलो दोस्तों, क्या आपको याद है 20th सेंचुरी के वो पुराने भारी भरकम फोन? फोन आने शुरू हुए पहले ब्लैक एंड व्हाइट मैजिक बॉक्स जैसे, फिर नजर आए फ्लिप फोन्स और स्लाइड फोन्स, उनके बाद आए पावरफुल स्मार्टफोन्स। वैसे अब तक सारे फोन्स डिजाइन और फंक्शनैलिटीज में लगभग एक जैसे ही हुआ कर। लेनोवो सी प्लस जब फोल्ड ना हो रखा हो तो ये फोन अपनी लंबी सी स्क्रीन की वजह से एक टीवी रिमोट जैसा दिखता है। इस फोन के बैक साइड के क्रस्ट्स और ट्रफ्स दिखने में भले ही अजीब हो, मगर ये डिजाइन बिल्कुल सोचा समझा है। इन्हीं की वजह से ये फोन फोल्ड होके आपकी कलाई पे फिट हो पाता है। लेकिन एक्साइटमेंट को थोड़ा काबू करना होगा, क्योंकि जब इस फोन को प्रेस के सामने प्रेजेंट करा गया था सैन फ्रांसिस्को के एक इवेंट में, तब लेनोवो के लोगों को समझ आ गया था कि इसकी स्क्रीन ज्यादा रोल करने पर शीशे की तरह टूटकर बिखर सकती है। उसके बाद इसके अंदर के सी क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग सेगमेंट्स में बांटा गया, ताकि ये फोन एक स्मार्ट वॉच की तरह भी इस्तेमाल करी जा सके। इसके इंटरफेस भी इस्तेमाल होने के हिसाब से बदल जाते हैं। द ड्रास फोन, ये शायद पूरी दुनिया का सबसे अनोखा स्मार्टफोन है। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप किसी डोमिनो टाइल की तरह पाइल अप करके रख सकते हैं। इसके अलावा इस फोन में है फ्लेक्सिबल डिस्प्ले जो 180 डिग्रीज तक बेंड हो सकता है, वो भी तीन डिफरेंट हिंजेस से। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसका ह्यूज डिस्प्ले जो कन्वर्ट होके कॉम्पैक्ट फॉर्म ले सकता है। एक पावरफुल फोल्ड होने वाला स्मार्टफोन एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, फोल्ड होते हुए भी इसका स्क्रीन एकदम बढ़िया काम करता है, जो सारे नोटिफिकेशंस, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और सारे विजेट्स दिखा सकता है। पहली नजर में देखने पर ये फोन भले ही कुछ अजीब सा लगे, पर ये लोगों को जरूर पसंद आएगा। Nintendo Plus नॉर्मल फोन नहीं है, इसका अलग सा डिजाइन है जो फ्लिप होता है, स्लाइड होता है और रोटेट भी होता है। स्क्रीन के नीचे नॉर्मल कीबोर्ड होने के बजाय इस प्रोजेक्ट के क्रिएटर ने डाले हैं इसमें यूजुअल गेम बटन्स, एक डी पैड और फ्लैट स्टिक, जिससे अल्टीमेटली ये बना एक फोन टू प्ले। Nintendo Plus में है दो फ्रंट स्पीकर, एक स्पेशल ब्राइट स्क्रीन और एक स्टाइलस उन गेम्स के लिए जिनमें जरूरत होती है एक्यूरेसी की, और इसके मैकेनिज्म की वजह से ये स्क्रीन हिलती नहीं है। गूगल प्रोजेक्ट आरा, दुख की बात यह है कि प्रोजेक्ट आरा मार्केट में कभी नहीं आएगा, लेकिन एक फेमस इंटरनेट पोर्टल के राइटर्स के हाथों एक फोन तो लग ही चुका है, जिसका कोड नेम है A8.0.1, जो शायद डेवलपर्स के लिए इसी का अर्लियर वर्जन है। इस मॉडल के फोन के सारे पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं मैग्नेट्स के जरिए। शुरू में गूगल ने डिक्लेयर करा था कि मैग्नेट्स काफी नहीं है फोन के मॉड्यूल्स को जोड़े रखने के लिए। उसके बाद इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को डिजाइन करा गया जो अपने कोर से बाहर आ सके, बाकी के ब्लॉक्स को जोड़े रखते हुए। लेकिन ये स्मार्टफोन कॉम्पैक्ट नहीं है, इसकी थिकनेस है 12.5 मिलीमीटर, वो भी कैमरा मॉड्यूल के बिना, जो मॉडर्न फोन्स की दुनिया में टिके रहने के लिए ठीक नहीं।